पता होगा तो हाथ खड़ा करेगा, कोई भी सामूहिक रूप से उत्तर नहीं देगा, ठीक है। अच्छा राशियां क्या होती हैं? खड़े रहिए। अच्छा राशियां वो राशियां होती हैं जिनके मान नहीं बदलते, जैसे जैसे कि 2, 3, 4। वेरी गुड, बैठ जाइए। अच्छा राशियां वो राशियां होती हैं जिसका मान नहीं बदलता है, जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है। चल राशियां क्या होती हैं? चल राशियां वो होती हैं जिनका मान बदलता रहता है, जैसे कि एक्स वाई जेड। शाबाश, बैठ जाइए। अचर राशियां और अचर राशियों को अगर एक साथ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 3x 5y, ये किस तरह का गेम, ये क्या है? बीजी मेजर। वेरी गुड, इसे हम क्या कहते हैं? बीजी मेजर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। जहां अगर बहुत सारे पद लिखे हैं एक साथ, 1 हो गया, 3x + 1 हो गया, 5x³ + 5x, इस तरह की एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? बीजी मेजर। बिल्कुल सही। और बहुपद का डेफिनेशन क्या है? आज हम बहुपद के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हमें क्वेश्चन लेते हैं 5x³ + 2x - +3x² - 1, इस एक्सप्रेशन में कितने पद हैं? 4 पद हैं, मतलब 4 टर्म्स हैं, ठीक है, 1, 2, 3 और 4। और इसमें चर राशियां क्या हैं? इसमें चर राशियां x हैं। और अचर राशियां 5, 2, 3, 1 - 1, ठीक है। वेरी गुड, बैठ जाइए। हम पॉलिनोमियल को मैथमेटिक्स में जिसका जनरल इक्वेशन होता है px से हम डिनोट करते हैं जनरली पॉलिनोमियल को, और इसका एक्सप्रेशन होता है a₀+a₁x₁+a₂x₂+……ann। इसमें जो a होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी ये a₀, a₁, a₂, a₃, an है वो क्या है? रियल नंबर है। a₁, a₂, ये क्या है? रियल नंबर है। और ये x क्या है? चर राशियां है, ठीक है, वेरिएबल्स है। अच्छा ये बताइए 3x में कितने पद का है? बहुपद है, एक पद का। ये कितने पद का है? दो पदी। कई दो पदी है इसमें, 0x² + 0x⁻¹ भी है। इसका मान 0 है ना, इसका मतलब ये 4 पदी है, ठीक है। हम पावर से बताते हैं कि कितने पद का बहुपद है, ठीक है। अब देखिए, अभी हमें पता चला कि ये एक पदी है, ये 4 पदी है, इसका मतलब कि बहुपद कितने की तरह का हो सकता है, ठीक है, मतलब कितने भी पदों का हो सकता है। जनरली ये कितने 4 टाइप्स के होते हैं पॉलिनोमियल। पहला होता है मोनोमियल, एक पदी। दूसरा है बायनोमियल, दो पदी। तीसरा है ट्राइनोमियल, और चौथा है 0 पॉलिनोमियल। ओके ओके मैम, इस गेम जो पॉलिनोमियल है इसको स्पेशल पॉलिनोमियल कहते हैं, जो जनरली डिफाइंड नहीं होता। वैसे इसका एग्जांपल ले ले, 0x² + 0x + 0, ठीक है, ये कैसा पॉलिनोमियल है? 0 पॉलिनोमियल है, बट मैथमेटिक्स में इसे क्या कहते हैं? 0 ही कहते हैं इसका वैल्यू, ठीक है। मोनोमियल क्या होता है? एक पदी होता है, फॉर एग्जांपल 3x, ये सिर्फ एक टर्म है, और बायनोमियल 2 टर्म के होते हैं, ठीक है। ट्राइनोमियल में 3 पद होते हैं,
स्क्वायर करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ठीक है। ये पहला पॉलीनोमियल, ये दूसरा पॉलीनोमियल, इसको हम ऐड करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट हटा लेते हैं, ठीक है। अब हम कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले x लेंगे, ठीक है, जो पहला टर्म है। अगर सिमिलर, अगर बेस सेम हो एक से ज्यादा, उसको हम क्या करेंगे, ऐड या सबट्रैक्ट करेंगे। अगर ये एक पॉलीनोमियल, मतलब जो x है जिसका पावर 1 है, ऐसा पॉलीनोमियल और कहीं है, यहां है 2x, ठीक है। दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, क्योंकि दोनों क्या आगे प्लस का साइन है। तो 3x plus 2x कितना होगा, 5x। अच्छा, x स्क्वायर कितना है इसमें, इस एक x स्क्वायर का कितना टर्म है, यहां सिर्फ एक टर्म है, वो है 2x स्क्वायर। और जो कांस्टेंट है 1 प्लस 1 और माइनस 1, ठीक है, उसका क्या होगा, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा और 0 हो जाएगा। ये इस पॉलीनोमियल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 1 से क्या क्या हुआ, t स्क्वायर माइनस 40 इनटू प्लस 1
हम इसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये कट जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा, आंसर आएगा जीरो। ठीक है, समझ में आया सबको? यस मैम। अब रिवीजन कर लेते हैं। नोट डाउन कर लीजिए।